वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं युग्म शब्द, जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये 1 मार्क्स का है क्या से, बट इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको एक तरफ से बोलिए तो फ्री के 1 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या युग्म शब्द होता है, बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट बोर्ड के पेपर से ही अभी करा दूँ मिनिमम टाइम में। हो सके तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क का है क्या से, आपको यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो फ्री के मार्क्स मिलते हैं। बस आपको एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट करना रहता है, यहाँ पर आपको कोई वर्डिंग में भी मिस्टेक नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले हम इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि अलग अलग। पहला एग्जाम्पल युग्म शब्द का, अपना अपना। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, या सिंपल देख के कोई भी इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। जो तीसरा है कोना कोना, खाली खाली, काफ़ी इजी इजी एग्जाम्पल होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे खाली खाली दिया है, गांव गांव, गाते गाते, घर घर, आप ही देख सकते हैं कितना इजी है। तो अब मैं आपको सीधा पेपर पे लेके जाऊँगा, ठीक है। तो यार मिनिमम टाइम है, इतना एग्जांपल देख लिए, काफ़ी इजी सा टॉपिक है 1 नंबर का। चलिए मैं आपको पेपर पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये पेपर 2021 का है और जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका है। तो यार सेम पेपर पैटर्न होने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे गद्यांश का पहला, ये विभाग एक, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते देखते हैं। यहाँ पे जो विभाग एक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये युग्म शब्द का है। देखिए यहाँ पे शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, यहाँ पे दो कहाँ से लिखना है पैराग्राफ में। देखो जो सबसे इजी ट्रिक होता है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड होते हैं और ये दोनों के बीच में ये साइन होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए ढूंढते शब्द हमारे पैसेज में, यहाँ पे ऊपर पैसेज में से। और एक चीज़ याद रखना है, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, वो इसको पहले से याद करके आते हैं और लिख देते, ठीक है। तो आपको पहले से ही नहीं, यहाँ पे आपको पैराग्राफ से ही लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पैराग्राफ का ही होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करो, देखो, खुद से ढूंढो एक बार, ठीक है। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, मे भी आपने देखा होगा, ढूंढ लिया होगा। देखिए आपको यहाँ पे पहला मिलेगा पशु पंछी, सेकंड मिलेगा वाह वाह। तो देख लेते और भी आगे है क्या इसका एग्जांपल युग्म शब्द का। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यस देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है सोच विचार। तो यहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं, ठीक है। आपको 2 पूछा है, 2 बोला है लिखने को यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जिससे कि एक वाह हुआ था और सोच विचार, पहला वाला पशु पंछी वो भी लिख सकते, ठीक है। तीनों में से कोई भी 2 लिखना है, सोच विचार, ठीक है। तो मैं भी आपको समझ गया होगा, यहाँ पे आपको जो बीच वाला साइन है इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और उसके आजू बाजू 2 वर्ड रहने चाहिए। तो
तो बहुत ही ईजी होता है योग में शब्द को फाइंड करने का। मे बी आपको समझ गया होगा कि वैसे तो काफ़ी ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी बताना, और जो आपको एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।